सो है गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परहैप्स द वर्ल्ड एंड्स हियर बाय जॉय हार्जू। सो इसकी मैं आपको इंटरप्रिटेशन भी बताने वाली हूँ, स्टाइल भी बताने वाली हूँ, एट द सेम टोन क्या है इस पूरी पोएम की, सो उस सब के मैं बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को इस पोएम को पूरा एक रीड करना चाहिए, बिकॉज तभी हमारे को जो है और ज़्यादा गहराई से मतलब इस पोएम के बारे में पता चल पाएगा। एंड कोई भी पोएम किसी भी चीज़ को समझने से पहले आपको पहले रीड करना चाहिए। सो अगर आपने अभी तक रीड नहीं किया तो आप मेरे साथ साथ ही इस वीडियो में रीड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड सबसे पहले देते हैं फर्स्ट स्लाइड पे अपनी। परहैप्स द वर्ल्ड एंड्स हियर। द वर्ल्ड बिगिंस एट अ किचन टेबल, नो मैटर व्हाट वी मस्ट ईट टू लिव। चाहे मतलब वर्ल्ड जो है हमारा किचन टेबल से शुरू होता है, नो मैटर व्हाट कि हम क्या खा रहे हैं जीने के लिए। We chase chickens or dogs away from it. Babies teethy at the corners. They scrape their knees under it. It is here that children are given instructions on what it means to be human. हम इससे में जो है बच्चों को मतलब जब बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं धीरे धीरे, तब उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं डैट यू आर अ बॉय, आपको ब्लू कलर पसंद करना है। मतलब हम नहीं बोलते चीज, पर बच्चे को अपने में अंदर सो जाने लग जाती है। जैसे लड़का है तो उसे ब्लू कलर ही पसंद आएगा, उसको बॉयज टॉयज ही पसंद आएंगे, उसे आर्मी टॉयज ही पसंद आएंगे। वहीं मोस्ट ऑफ द मतलब जैसे कहते हैं ना फेमिलैरिटी यही होती है। एंड वहीं गर्ल्स जो है उनको डॉल्स पसंद आएंगे, किचन सेट्स पसंद आएंगे, मेकअप सेट पसंद आएंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड इज एट दिस टेबल वी गॉसिप। इसी टेबल पे हम गॉसिप करते हैं, रिकॉल एनिमीज कि कौन सा हमारा दुश्मन, एंड द गॉस्ट्स ऑफ लवर्स। Our dreams drink coffee with us as they put their arms around our children. So हमारे dreams जो होते हैं वो मतलब dreams कौन होते हैं, मतलब हमारे सपने जो होते हैं वो coffee पी रहे होते हैं, हमारे सपने मतलब हमारे parents, and वो coffee पी रहे होते हैं with us. With us मतलब हम ये नहीं कहेंगे बच्चे को तुम coffee दो, मतलब मेरे को नहीं लगता बच्चे को coffee देनी चाहिए। They put their arms around our children. They laugh with us at our poor falling down cells. They laugh with us at our poor falling down cells. And as we put ourselves back together once again at the kitchen table. So हमारी चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी बात हो जाए, कैसी भी चीजें हो जाए, but at the end हम meet कहाँ करते हैं, meet करते हैं, मिलते कहाँ पे, किचन टेबल पे। Perhaps the world ends here. This table has been a house in the rain. An umbrella in the sun. So, एक जो टेबल है मतलब अगर हम बात करें एक जो घर है वो हमारे को किस किस चीज से बचाता है, हमारे को रेन से बचाता है एज अ अम्ब्रेला, कि जैसे अम्ब्रेला हमारे को रेन से बारिश से बचाता है वैसे अम्ब्रेला बचाता है। उसी के साथ हमारे को सन से भी बचाता है, सन की मतलब सूरज की किरणों से बचाता है ये घर हमें। Wars have begun and ended at this table. ये नहीं है एट दिस टेबल डजंट मीन कि आप वो किचन टेबल की बात कर रहे हैं, हम इस कंट्री की भी बात कर सकते हैं, हम इस ग्लोब की बात कर सकते हैं, हम इस स्टेट की बात कर सकते हैं, हम इस हाउस की बात कर सकते हैं। इट इज अ प्लेस टू हाइड इन द शैडो ऑफ टेरर। तो चाहे बाहर कितनी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही है, कुछ भी हो रही हो, अगर आप एक बार घर में होते तो आप अपने को बहुत ज्यादा सेफ फील करते हो। अ प्लेस टू सेलिब्रेट द टेरिबल विक्ट्री। चाहे मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच हो हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, चाहे जैसे यूक्रेन और रशिया में कुछ टाइम वॉर चली अभी। सो अगर हम देखें सो उस हिसाब से तो अगर यूक्रेन हारता मतलब अगर यूक्रेन हारते तो रशिया में मतलब जश्न मनाया जाएगा, रशिया हारेगा तो यूक्रेन में जश्न मनाया जाएगा। बट एक चीज़ है, हम एक टेरिबल चीज़ के लिए विक्ट्री बना रहे हैं, मतलब कोई चीज़ बुरी हुई है, मतलब अगर यूक्रेन हारा है तो यूक्रेन हारा है, हम उस चीज़ का दुख नहीं बना रहे, मतलब रशिया वाले उस चीज़ का दुख नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे हैं, खुशियाँ बना रहे हैं। टेरिबल विक्ट्री इसे कहा गया है। नेक्स्ट थिंग इज वी हैव गिवन बर्थ ऑन दिस टेबल। हम इसी टेबल से मतलब पैदा हुए, इसी टेबल पे हमने अपनी पेरेंटहुड लाइफ जी, एंड इसी टेबल पे हम मतलब इसी टेबल मतलब इसी कंट्री में, इसी जगह पे, इसी स्टेट पे, सो हमने इसी घर में जन्म लिया, इसी घर में हमने पूरी अपनी लाइफ व्यतीत करी, एंड इसी घर में हम जो है आखिरी में दफनाए जाएंगे, फिर ब्यूरियल में दफनाए जाएंगे। एट दिस टेबल वी सिंग विद जॉय विद सॉरो। कई बार हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हम तब भी गाना गा रहे होते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया भाई तब दुखी में भी है तो हम उसके लिए गाना गा रहे हैं दुखी का सॉन्ग। वी प्रे ऑफ सफरिंग एंड रिमोर्स।
अगर कोई चीज़ लाइफ में गलत हो रही थी, कोई मेडिकल इश्यूज हो रहे थे, कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, हम उसमें प्रे करते हैं, वी गिव थैंक्स। हम किसको थैंक्स देते हैं? हम गॉड को थैंक्स देते हैं कि हमारे को इतना अच्छा फूड प्रोवाइड करने के लिए, हमारे को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, हमारे को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए विद इन दिस हाउस। परहैप्स द वर्ल्ड विल एंड एट द किचन टेबल। सो हो सकता है ये किचन टेबल ही हो जो कि हमारे एंड हो जाए वर्ल्ड। किचन टेबल डज नॉट मीन्स अ किचन टेबल, इट्स मीन्स अ वर्ल्ड, अ कंट्री, अ स्टेट, अ हाउस विच इज प्रोटेक्टिंग अस, विच इज गिविंग अस फूड, विच इज हेल्पिंग अस टू ग्रो व्हाइल वी आर लाफिंग एंड क्राइंग। चाहे हम दुखी में हो तो भी हम डिस्कस करते हैं किचन टेबल पे ही, चाहे दुख खुशी में हो तो भी हम सबको बताते हैं किचन टेबल पे ही। ईटिंग एट द लास्ट स्वीट बाइट, हो सकता है हमारी आज की ये आखिरी बाइट हो सकता है आज की हमारी आखिरी मीठी स्वीट बाइट हो, उसके बाद हम खाना ना खा पाए, उसके बाद हमें घर छोड़ना पड़ जाए, ये जगह छोड़नी पड़ जाए, हमारी डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लाइफ डोंट नो एनी वन, नो वन नोज द टाइम वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम एंड वेयर वी आर गोइंग और वेयर वी आर हेडिंग टू मेनली। अब इस पूरी पोएम का मैं एक इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें, द पोएट मैसेज in this poem is that in all your life you always will gather back to the dinner table, chahe kitne bhi issues ho jaye but yes aap back aaoge aur kahan par aaoge, dinner table pe, because you have to eat to live, kyunki aapko khana khana hai jeene ke liye, and that the meaning of life is to share stories with your loved ones until your final breath, and sharing your stories means आप अपने friends के साथ stories share करते हो, अपने family members के साथ, अपने relatives के साथ, या फिर अपने अपनों के साथ अपनी चीजें बांटने के लिए आप क्या करते हो, share करते हो अपनी stories, and stories doesn't mean कि आपके साथ कुछ चीज future में हो रही है, जो चीज आपके साथ past हुई है वही चीज आप dinner table पे अपने हाँ करीबी दोस्तों के साथ उस समय वही शेयर करते हो। The title of the poem is about a psychological event like the world ending. But when you read it has a different kind of meaning. इसका मतलब ये नहीं है कि world end हो रहा है। इस पूरी poem का एक बहुत ही different meaning है। The poem is written about how important spending time with your family is. So poem deal करते हैं, हमारे को बताते हैं कि क्या importance है अपनी family के साथ जिंदगी जीने का, spend करने का अपना time with your family. The narrator of the poem is the poet. Because it's his talk. मतलब जो narrator है, जो बता रहा है, वो poet ही है, and poet कौन है आपको पता होना चाहिए। The poem to us just means about how spend time with your family before you die. That no matter what circumstances, our food always bring people together. Poem आपको बताता है कि अपना time आप कैसे spend कर सकते हो with your family before you die, जब तक आप मरोगे उससे पहले पहले। नो मैटर आप कितनी भी सर्कमस्टांसेस, कितनी भी सैडनेस, कितनी भी हैप्पीनेस, कितनी भी दुख के साथ जी रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको ये फूड की जो टेबल है, ये किचन टेबल जो है, ये किचन जो है, ये आपको साथ में ले ही आएगा, ये खाना जो आपको साथ में ले ही आएगा। हम ये भी कह सकते हैं एक कंट्री फूड। अब जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें पाकिस्तानी फूड पसंद होता है, ऐसा नहीं है हम किसी रिलीजन किसी कंट्री को नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कुछ लोग होते हैं इंडियन फूड, चाइनीज फूड, इटालियन फूड एंड रशियन फूड, बहुत सारे फूड हो सकते हैं, आई डोंट नो ऑल अबाउट दैट। एंड देन द पोएम स्टाइल, सो द स्टाइल ऑफ द पोएम इज, दिस पोएम इज अ फ्री वर्स पोएम, सो याद रखना ये पोएम एक फ्री वर्स पोएम है, बिकॉज देर इज नो राइम, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, और एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि ए ए बी बी सी सी डी डी, कुछ नहीं है। देर इज अ पंक्चुएशन इन दिस पोएम अलाउंग यू टू पॉज बिफोर रीडिंग। सो आपने देखा होगा मैंने पोएम पढ़ी जब, तो मैंने बहुत सारे पॉजेस लिए, बिकॉज ये पोएम हमारे को अलाउ करती है कि हम पॉज ले सके बिफोर रीडिंग द नेक्स्ट लाइन, एंड ऑल्सो मेकिंग द रीडर रीड द पोएम स्लोअर, ताकि हम पोएम को एक स्लो पेस पे रीड करें। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन गई है, सो बिकॉज भाई रीडर ही चाहते हैं हम स्लो पेस पे रीड करें। सो हु आर यू टू से मी कि वीडियो स्पीड में बनाओ, जल्दी बनाओ, एंड एनीथिंग एल्स। टोन एंड वॉइस ऑफ द पोएम इज पीसफुल, calm and exaggerated. मैंने आपको इस पोएम को इतना ज्यादा एग्जैजरेट करके बताया है, इतना ज्यादा calm, शांति से and peacefully matter पे, peacefully I don't know, but yeah, exaggerate तो मैंने इस पोएम को किया। And that's it for this video. And अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो में टोटल कितने व्यूज हैं,
एंड एट द सेम टाइम आपके क्या व्यूज, आपको कैसी लगी ये वीडियो, क्या हेल्पफुल लगी ये वीडियो है नहीं, एंड इसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड यस अगर आप चाहो तो मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना. बाय बाय. So the poet of the poem is by Joy Harjo. Thanks for watching. Bye bye. Are you still there? Bro, you can go.